हेलो एवरीबॉडी, सो गाइस कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस माइनक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं बेटर माइनक्राफ्ट प्लस मॉड पैक और आज है हमारा एपिसोड 2। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहे हैं इनके साथ एमरल्ड की। और मैंने एक क्लैरिक विलेजर भी बना लिया ताकि हमें कुछ जो है एंडर पल्स मिल सके। और एंडर पल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें इस गेम में वो यूज़ आने वाले हैं क्योंकि हमें उससे एंडर चेस्ट बनानी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रैवल करते हैं हमें उससे वेस्ट टून बनाना है। और ये क्या मुझे मिला, स्काई फ्रैगमेंट। ओके आई थिंक ये स्काई से गिरता है खुद या फिर किसी मॉब से गिरता है, आई डोंट नो। बट अभी हम इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद मैं थोड़ा इसको एमरल्ड को जो है हमारा क्लैरिक उसको मैं थोड़ा और अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा ताकि वो जो है हमें एंडर आइज दे और उन एंडर आइज को यूज़ करके फिर हम जो है वो वेस्टोन्स बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है अपने फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ वुड की। और वुड यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप ट्रेड से मेरे लिए और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेड कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्लैरिक जो है वो ऑलमोस्ट अपग्रेड हो चुका है और उसके बाद एंडरपल ट्रेड हमारी ओपन हो चुकी है। सो गाइस अब हमारे पास एक अनलिमिटेड सप्लाई है एंडरपल की और मतलब हम अनलिमिटेड जो है वो वेस्ट स्टोन बना सकते हैं। तो वेस्ट स्टोन बनाने के लिए हमें बेसिकली एंडरपल चाहिए होते हैं और उसके साथ कुछ ऑब्सीडियन चाहिए होते हैं और एमरल्ड चाहिए होते हैं। तो हमारे पास एमरल्ड जो है वो भी अनलिमिटेड हो चुके हैं और उसके बाद जो एंडरपल हैं वो भी अनलिमिटेड हो चुके हैं। मैं थोड़ी और ट्रेडिंग करूँगा और कुछ एंडरपल जो हम लेके फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो बट उसके लिए मुझे एक और जो है वो फ्लेचर बनाना है ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर सकूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस और उसके बाद मुझे एक स्टोन की एक्स बनानी है क्योंकि हमारी जो है एक्स वो बार बार टूट रही है। तो अब यहाँ पे मैं अपना जो है वो टिंकर कंस्ट्रक्ट यूज़ करके एक पिक एक्स बनाऊँगा, सॉरी एक एक्स बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमने अपनी स्टोन की एक्स जो है अब हम यहाँ पर रख देंगे। वेट ए सेकेंड। ओके, तो ये रही हमारी स्टोन की एक्स और इसके बाद हमारे स्टोन एक्स का जो हेड है इसको अपग्रेड करना है एक्स के हेड को। और सबसे पहले हम इसको आयरन का हेड बनाएंगे और उसके बाद डायमंड्स का बनाएंगे और उसके बाद ये इसका हाफ जो है वो कन्वर्ट हुआ है तो मतलब हमें इसका जो बट है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोन बट, ओके कहाँ पे एक्स का बट, टूल बट, हाँ या सो यहाँ पे भी हमें इसको भी अपग्रेड करना है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे टूल बट जो है ये भी अपग्रेड हो चुका है। तो अब मेरे पास कुछ डायमंड, आई थिंक मेरे पास कोई भी डायमंड नहीं है। वेट ए सेकेंड, मुझे देखने दो। सो अब हमें इसको डायमंड में कन्वर्ट करना है बट आई थिंक मेरे पास डायमंड नहीं है तो हमें माइनिंग पे जाना होगा। बट गाइस माइनिंग करने से पहले मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंडरपल जो है वो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो चलो अब चलते हैं अपने होम पे और उसके बाद गाइस मेरे पास अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंडरपल्स हो चुके हैं तो अब हम जो अपना वेस्ट स्टोन है वो ईजिली बना सकते हैं। बट वेस्ट स्टोन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ऑब्सीडियन जो कि आई थिंक मेरे पास नहीं है। सो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट सबसे पहले हम जो जितने भी हमारे पास लूट है ये वापस रख देते हैं और उसके बाद ये स्प्रूस ग्लोस्टोन ये सब कुछ यहाँ पे वापस रख देते हैं। गाइस ये हमें सब कुछ जो है वो ट्रेडिंग से आया है और उसके बाद स्टिक को भी छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस अब हमें चाहिए ऑब्सीडियन बट सबसे पहले जो है मैं अपनी एक्स को रिपेयर कर लूँ। तो गाइस अब टिंकरिंग कंस्ट्रक्ट का यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हम अपना जो भी टूल होगा वो हमारा पूरी तरह वो ब्रेक नहीं होता तो हम अपने टूल को जो है वो बहुत ईजिली जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके एक्स को जो है वो रिपेयर कर दिया है। सो यहाँ पे हमें दो आयरन लगे क्योंकि इसका बर्ट जो है वो भी रिपेयर करना पड़ता है और उसके बाद हेड भी रिपेयर करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे अब हमारे पास ये फॉर्च्यून 2 है जो हमें एक टावर से मिली है। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हम इसको एन्चेंट कर सकते हैं। वेट ए सेकेंड, शायद कर सकते हैं आई थिंक।
तो अभी इसको यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद क्राफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्च्यून 2 जो है वो अपने एक्स पे लग चुकी है। और गाइस अब वक्त है कुछ माइनिंग करने का और कुछ जो है डायमंड की लूट जो है वो उसको लेने का। सो अब हम चलेंगे माइंस में और उसके बाद क्योंकि हमारे पास फॉर्च्यून 2 है तो मे बी हमें जो डायमंड्स मिलेंगे हम उनको डबल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त गाइस हमें डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारा जो आर्मर सेट है वो भी इनकम्प्लीट है और उसके बाद हमारे सारे टूल्स भी जो है वो डायमंड्स के नहीं है। तो डायमंड जो है मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसके बाद मुझे डायमंड चाहिए। तो चलो गाइस चलते हैं माइंस में और अपने फॉर्च्यून जो है इसको टेस्ट पे लगाते हैं और देखते हैं कि गाइस हमें फॉर्च्यून से क्या क्या मिलता है। सो या लेट्स गो गाइस, कुछ डायमंड ढूंढते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें काफ़ी माइनिंग करने के बाद थोड़े से डायमंड दिखे हैं और डेट सेकेंड तो 3, 4, 5 आई थिंक ये 6, 7 ओके गाइस। तो यहाँ पे हमें 4-5 जो है वो ओर्स मिली और उसके बाद ये ब्लू जियोड दिखी है, ये भी मैं माइन कर लेता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं कि यार हमें कितने डायमंड्स मिले हैं फॉर्च्यून 2 यूज़ करके। मे भी फॉर्च्यून 2 जो है इतना ज़्यादा काम नहीं करती, अगर फॉर्च्यून 3 हो तो वो मतलब मज़ा आ जाएगा। बट गाइस फॉर्च्यून 2 जो है वो हमारे पास थी और गाइस इस पे मतलब अगर हम जो है वो गोब्लिन ट्रेडर को यूज़ करेंगे, गोब्लिन ट्रेडर को देखेंगे तो वो जो है एक फॉर्च्यून 5 की जो है वो बुक भी देता है फॉर्च्यून 4 की। सो या गाइस आगे जाके हम वो भी अपग्रेड करेंगे। थोड़ा सा लैपिस जो है वहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि हमें इंचांटिंग सेटअप जो है वो भी इस एपिसोड में जो है वो लगाना है। सो या गाइस अभी थोड़ा और माइनिंग करते हैं और देखते हैं क्या हमें कि और डायमंड अगर मिल जाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो या तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस और हमने अभी बनाई है एक स्वॉर्ड डायमंड की टेंकर कंस्ट्रक्ट यूज़ करके। तो क्योंकि यह अगर ये मतलब पूरी ब्रेक भी हो जाती है तो ये टूटेगी नहीं। और उसके बाद मैंने जितनी भी ओर्स थी उन सबको जो है वो मैंने स्मेल्टिंग में लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे ओर्स जो है वो स्मेल्ट हो रही हैं और उसके बाद गाइस हमें मतलब उतने ही डायमंड मिले, हमें सिर्फ 10 डायमंड मिले जो कि मतलब काफ़ी दुख वाली बात है। तो या गाइस मे भी अगर हमारे पास बेटर फॉर्च्यून होगी तो हमें दो डायमंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सो गाइस अब वक्त है हमारे इंचांटिंग सेटअप को लगाने का, तो अब वो हमें सामान ढूंढना है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस और उसके बाद हम अपना जो वेस्ट स्टोन जो हमने एंडरपल जो और एमरल्ड जो हमने कलेक्ट किए हैं तो अब वक्त है इनको टेस्ट पे लगाने का और वेस्ट स्टोन कंस्ट्रक्ट करने का। तो यहाँ पे हमें यह बनेगा वार्प स्टोन और वार्प स्टोन को यूज़ करके ऑब्सीडियन जो कि हमारे पास नहीं है मुझे लाना पड़ेगा। वेट ए सेकेंड गाइस रुको, मैं ऑब्सीडियन लेके आता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस और हमने जो है अपना वेस्ट स्टोन बना लिया और अब मुझे एक बैग बनाना चाहता हूँ। जो बैग बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रिंग्स और मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, वेट ए सेकेंड, बट मेरे पास जो है वो हेम्प सीड है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अगर हम हेम्प सीड को बोन मील करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा हेम्प और एडवांस जो मिंट जो मिलेगी वो भी बोनस में। तो हम 2 हेम्प को यूज़ करके 2 एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हमारे पास 4 है तो हमें 2 स्ट्रिंग बन जाएंगी और उसके बाद 2 स्ट्रिंग ये हैं। सो गाइस हमने बना लिया अपना बैकपैक और बैकपैक जो है अब इसको आई थिंक हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता। वेट ए सेकेंड, तो यहाँ पे ये डायमंड का बैकपैक है। ओके गाइस तो यहाँ पे ये डायमंड का बैकपैक है तो इस तरह से हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं जिससे इसकी जो इन्वेंट्री स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बैग सेंटर में रख देते हैं और इसके आसपास जो है हम सबसे पहले आयरन में अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी इन्वेंट्री डबल हो चुकी है और उसके बाद आयरन के बाद हमें इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ 4 ही डायमंड तो हम इसको डायमंड लेवल में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट गोल्ड भी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री स्पेस है गाइस। हमारी जो है अपने इन्वेंट्री स्पेस को अगर देखेंगे और गोल्ड को देखेंगे तो भाई ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है और मतलब हमारा काम जो है वो निकल सकता है। तो अब हम अगर कोई भी जो है वो एक्सप्लोरिंग पे जाएंगे तो हमें जो इन्वेंट्री की जो है वो दिक्कत वो नहीं होगी। और गाइस मैं भी आने वाले जो है एपिसोड में हम अपना जो स्टोरेज रूम है या स्टोरेज एरिया वो भी बना लेंगे। तो गाइस इसमें एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग मॉड है स्टोरेज मॉड, तो उसको हम यूज़ करेंगे और हम कहीं से भी अपनी स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दिक्कत हमारे जो है इन्वेंट्री की ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ थोड़ा वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि हमें जो है अपना एन्चांटिंग सेटअप बनाना है तो एन्चांटिंग एरिया के लिए मुझे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम थोड़ी वुड कलेक्ट कर रहे हैं और मतलब ये हमारी जो है वो स्प्रूस फॉरेस्ट वाला एरिया है। सो यहाँ पे हम थोड़ा ओक जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और मैंने अभी थोड़ी स्प्रूस कलेक्ट की है और ये यहाँ पे मैंने देखा है और आई डोंट नो कि गाइस ये एक डंजन हो सकता है शायद। आई थिंक ये एक डंजन है, इसकी जैसे कि शक्ल देख के लग रहा है।
यहाँ पे नीचे मॉब जो है वो भी हो सकते हैं, बट हमारे पास शुरिकेन है तो इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं है। और देखने से तो ये यही लग रहा है, बट यहाँ पे एमरल्ड है। आई थिंक ये अंडरग्राउंड विलेज है गाइस। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे मॉब्स हो सकते हैं तो शुरिकेन हाथ में रखता हूँ। ओके गाइस, तो ये जैसा देखने में लग रहा था ये एक अंडरग्राउंड विलेज है, और यहाँ पे हमें जो है वो विलेजर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो या गाइस, ये भी एक मतलब दमदार कैंडिडेट है हमारे जो अंडरग्राउंड हम अपना बनाएंगे ट्रेडिंग हॉल, तो उसके लिए ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है। सो या गाइस, और यहाँ पे बहुत सारे मेंडिंग विलेज सॉरी लाइब्रेरियंस है, तो हम इनको मेंडिंग विलेजर और जितनी भी बुक्स हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और या गाइस, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है एक अंडरग्राउंड जो है। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है भाई। ओके, तो ये देखने से एक इलेजर का जो है वो हेड लग रहा है, तो अंदर इसके अंदर लूट है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे लैपिस ब्लॉक दिखाई दे रहा है। इस लैपिस ब्लॉक को जो है वो जल्दी से माइन कर लेते हैं, और उसके पीछे दो एमरल्ड के जो हैं वो ब्लॉक भी हैं। मे बी यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक हो सकते हैं शायद, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे डायमंड ब्लॉक्स हैं, बस एमरल्ड ब्लॉक हैं और उसके बाद लैपिस ब्लॉक हैं। सो गाइज, ये आई थिंक यही प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे हम विलेजर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो या मैं मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। बट फिर भी आई थिंक कि मैं यहाँ पे थोड़ा और देखता हूँ, शायद हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, कुछ भी नहीं है। तो या गाइस, यहाँ पे हमें एक अंडरग्राउंड विलेज दिखाई दे रही है, मिल गई है, और यहाँ पे हम इसको जो है एक अच्छा खासा ट्रेडिंग हॉल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और उसके बाद मे बी नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे हम काम करेंगे। सो या गाइस, अभी के लिए यहाँ से चलता हूँ और बेस पे मिलते हैं। गाइस, क्या आप ये चीज़ देख रहे हैं? मतलब इस मॉड में जो है पानी में जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, चलो चलते हैं उसके पास। और मैं भी मतलब इसके पास नहीं जाऊंगा, अपने जो है शुरिकेन से दूर से ही जो है वो इस पर अटैक करूंगा। बट गाइस, इस वक्त पानी में जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पानी में ऐसी ऐसी भयानक भयानक चीज़ें जो हैं वो पानी में घूम रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारा सामना किसी भी ऐसी चीज़ से हो। तो या गाइस, मैं दूर से इस पर हमला करना चाहता हूँ, बट हो नहीं रहा। आई थिंक हमें उधर जाना पड़ेगा। वेट ए सेकेंड। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है इस पर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में एक शिप भी है, तो मे बी हम शिप जो है वो लूट करने जाएंगे। बट क्या हम इसको मार पाएंगे? ओके 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 ओके, या सो गाइस, सी नॉट अ प्रॉब्लम, एडवांसमेंट मिल चुकी है। बट गाइस, मेरे यकीन मानो सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जितना सी से जो है वो बच के रहेंगे इतना हमारे लिए सेफ रहेगा। और उसके बाद गाइस, ये कुछ ड्रॉप भी करते हैं, कहाँ पे है? ओके ओके, ये भी यहाँ पे रहा। तो या गाइस, ये जो चीज़ ड्रॉप करते हैं इससे हम आर्मर और इससे टूल बना सकते हैं, तो ये काफ़ी जो है वो अमेजिंग सी चीज़ है। और आने वाले एपिसोड्स में हम इनको हंट करेंगे ताकि हम जो है एक फिश आर्मर बना सकें अच्छा खासा। और गाइस, मुझे इसको देख के लग रहा है कि मुझे इसको लूट करने जाना है, तो आई थिंक चलो चलते हैं इसको भी लूट करते हैं। हमारे पास शुरिकेन है तो हम दूर से जो है इस पर हमला कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें जो है डेजर्ट वॉर्म को हम दूर से मारेंगे, तो इस तरह से हम इसको भी दूर से मार सकते हैं। और इसकी भी एडवांसमेंट मिल चुकी है, डेजर्ट स्विमर्स। भाई क्या यार। ओके, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ शिप के पास, और हम इसको जो है वो नीचे से घुसेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ओपन में आना, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि गाइस जो मॉब्स यहाँ पे हैं इलेजर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं, और इनकी मतलब एक्स से इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है कि भाई ये आपको वन हिट किल कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा खासा आर्मर नहीं है। और इस वक्त मेरा आर्मर जो है वो तो मतलब एकदम बिल्कुल बेकार सा आर्मर है, तो मैं बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और हमें यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे एक ट्रैप डोर है, तो सबसे पहले इस ट्रैप डोर को एरिया को बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, यार बैनर वाले जो है वो बहुत सारे मॉब्स हैं, तो यहाँ पे इसको ये जगह बंद कर देते हैं। और मतलब बिल्कुल मैं सेफ खेलना चाहूँगा। थोड़ी सी यहाँ पे चेस्ट दिखाई दे रही है, मे बी इनमें कुछ लूट होगी। तो यहाँ पे कुछ खाना है, इसमें भी खाना है। ओके, इसमें भी खाना है, वेट ए सेकेंड, इसमें भी खाना है, और तीन वाटर पैकेट्स, हाँ ये ले लूँगा, कोई बात नहीं। बट गाइस, इन शिप्स में काफ़ी अच्छी लूट भी होती है, सिर्फ यही लूट नहीं होती। और रास्ता कहाँ से है? यहाँ से नहीं। ओके,
सो आई थिंक कि हमें यहाँ से जो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक होल ओपन करूँगा और उसके बाद यहाँ से इनको मारेंगे, और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बट गाइस हम सेफ खेलेंगे और यहाँ से इनको मारेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको मारता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इस शिप की लूट लेते हैं और वापस चलते हैं अपने बेस के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म मैंने कर दिए और हमें मिल चुके हैं 5 डायमंड्स। ओके, काफ़ी अच्छी सॉर्ड मिली है, मैं रख लूँगा और गोल्ड भी रख लेता हूँ। और गाइस हमें 5 डायमंड्स मिले हैं इसमें से और 3 डायमंड यहाँ पे हैं। वाओ ग्रेट, 25 आयरन, 28 गन पाउडर, 50 यहाँ पे हमें मिले हैं नेदर क्वार्ट्स। वाओ नॉट बैड। तो जैसे कि आपने मैंने बोला गाइस, यहाँ पे इन शिप्स में काफ़ी अमेजिंग सी लूट होती है और यहाँ पे ये कैप्टन का जो है वो चैम्बर था। तो रात भी हो चुकी है, चलो गाइस चलते हैं अपने बेस के ऊपर, उसके बाद एन्चांटिंग सेटअप जो है उसको बनाते हैं। ओके, मैं आ चुका हूँ वापस। बाद इससे पहले एन्चांटिंग सेटअप बनाए तो हमने अपना बैकपैक जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ओ माय गॉड गाइस, हमारे पास अब कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री स्पेस है भाई यार, मतलब अब हम कुछ भी यार कुछ भी मतलब अपने इन्वेंट्री में डाल सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल फुल नहीं होगा और अब जो है वो एक्सप्लोर करने का मज़ा आएगा गाइस, क्योंकि अब हमारे पास लॉट्स ऑफ इन्वेंट्री स्पेस है, तो जिससे हम काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो जो है लूट कर सकते हैं। तो या गाइस हमारा ये काम हो चुका है, तो अब वक्त आ चुका है हम अपना एन्चांटिंग सेटअप को बनाएं, और उससे पहले मुझे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो या गाइस यहाँ पे मैं ब्रिज डिज़ाइन कर रहा हूँ और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है यार, ऐसे हवा में मतलब ब्लॉक्स लगाना, और आई डोंट नो कि यार मतलब मैं यही ब्रिज रखूँगा, बट अभी टेम्परेरी सब ब्रिज जो है वो मैं बना रहा हूँ। मे बी आगे जब हम इसको अच्छा से डेकोरेट करना शुरू करेंगे तो शायद जो है वो मैं ब्रिज का डिज़ाइन चेंज कर दूँ, बट अभी के लिए गाइस यही वाला डिज़ाइन जो है वो नॉर्मल सा डिज़ाइन रहेगा। मे बी मैं ये लॉक्स यूज़ करूँगा और उसके बाद कुछ कैंप फायर का यूज़ करके हम एक अच्छा सा ब्रिज बनाएंगे। सो या गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला और मेरे पास रीप्ले मॉड भी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है फिर उसके बाद मैं आपको एक अपडेट दे दूँगा कि हमने क्या किया और कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, और मतलब आप खुद भी देख लेंगे गाइस किस तरह से ये बनेगा। सो या गाइस मिलता हूँ आपसे ब्रिज बनाने के बाद। तो ओके गाइस, यहाँ पे कुछ फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ मैं और उसके बाद हमारा ब्रिज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा एन्चांटिंग एरिया ये भी मैंने जो है वो डिक कर लिया और हमारा एन्चांटिंग एरिया भी बिल्कुल सेटअप होने वाला है। थोड़ा सा डेकोरेशन जो है वो बाकी हैं और आई थिंक अभी के लिए जो है ये ब्रिज ठीक लग रहा है। आगे जाके हम इसको फिर तो जो है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, बट आई थिंक अभी के लिए जो है ये ठीक ठाक है। तो या गाइस हमारा ब्रिज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब वक्त है हमारे एन्चांटेड जो है वो एन्चांटिंग टेबल और उसके बाद बुक्स लगाने का, तो हमारा एन्चांटिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा एन्चांटिंग सेटअप जो है वो लग चुका है और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी पहली एन्चांट करें। तो हमारे पास लेवल 30 जो है वो भी हैं, तो मैं एन्चांटिंग कर सकता हूँ। बट गाइस हमारा एन्चांटिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अब हमें चाहिए एक एक्सपी फार्म। तो आने वाले एपिसोड में हम एक एक्सपी फार्म भी बनाएंगे, तो आने वाले एपिसोड में गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने, हम एक्सपी फार्म बनाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट गाइस अभी सबसे पहले मैं थोड़ा एन्चांट कर लेता हूँ और एन्चांट देखते हैं हम अपने सॉर्ट करेंगे या फिर जो एक्स है उसम को मैं एन्चांट करूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी यही 2 टूल हैं जिनको हम एन्चांट कर सकते हैं डायमंड के। बट देखते हैं क्या मिलेगा इस पर। ओके, शार्पनेस 3 नहीं चाहिए। सो गाइस यहाँ पे हमारे एरो पे मिल रही है अनब्रेकिंग 3 और पावर 3, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है बट गाइस चलेगा हमें। तो हमारा बो जो है वो एन्चांट हमने कर लिया है। तो या गाइस अभी और देखते हैं और क्या हमारे स्वॉर्ड पे क्या एन्चांट मिल रही है हमें, देखते हैं गाइस लेट्स गो। तो हमें यहाँ पे मिल रही है अनब्रेकिंग 3, जिसको मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मैं इसको इनडिस्ट्रक्टिबल बना सकता हूँ। तो या गाइस ओके, सो हमारा जो है एन्चांटिंग सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि हम थोड़ा और कुछ करें इस एपिसोड में। और गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वाटर में और हमें चाहिए ग्रेवल, सैंड और उसके बाद क्ले, क्योंकि गाइस अब हम यूज़ करने वाले हैं टिंकर कंस्ट्रक्ट का जो है सेमेल्ट्री, वो यूज़ करने वाले हैं सेमेल्टिक सिस्टम, ताकि गाइस हम अपनी जितनी भी ओर से उनको डबल कर सकें। और मैं आपको बताऊँगा कि ये सारा जो है वो सेटअप कैसे लगता है और कैसे बनता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सैंड और उसके बाद कुछ ग्रेवल और कुछ क्ले। और मतलब यकीन मानो यार सैंड जो है माइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम अंडर वाटर जो है वो माइन कर रहे हैं और बिना एक्वा एफिनिटी और बिना डेप्थ स्ट्राइडर के मतलब रिस्पायरेशन के अंडर वाटर माइन करना एक काफ़ी बड़ा जो है वो चैलेंज है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ जेली फिशेज हैं जो के मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही हैं, बट इट्स ओके गाइस, तो चलो कलेक्ट करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं और हमने बना है ग्रोट, आई एम ग्रोट, यस गाइस। और इस ग्रोट को जो है अगर हम स्मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सीरेट जो है वो ब्रिक्स मिलेंगी, इसको हमें स्मेल्ट करना। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ कॉपर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉपर जो है वो माइन कर ले, तो हमारे पास फॉर्च्यून है तो हमें थोड़ा सा अगर कॉपर माइन करेंगे तो हमें कॉपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा माइन करने पे हमें 24 कॉपर मिला, तो या गाइस थोड़ा सा और कॉपर कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद बेस पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमें क्या बना रहे हैं और कैसे बनाना है। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस। तो सबसे पहले हमें बनाइए एक सीरेट ड्रेन, और उसके बाद हमें बनाना है कास्टिंग बिन, और उसके बाद बनाना है हमें फॉसेट, और उसके बाद बनाना है सीरेट ब्रिक्स, और उसके बाद बनाना है सीरेट हीटर, सॉरी एक ही हीटर बनाना है, और उसके बाद हमें बनाना है कास्टिंग टेबल, या ये भी बनाना है, और क्या बनाना है, वेट ए सेकेंड गाइस, यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं आ रहा। आई थिंक इतने से काम चल जाएगा, बट एक और चीज़ होती है जिसको हीटर बोलते हैं, नहीं हीटर तो हो गया हमारा, एक फ्यूल टैंक हमें बनाना है, या उसके लिए ग्लास चाहिए, तो उसके लिए जाके मुझे सैंड लानी पड़ेगी और सैंड को स्मेल्ट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए थोड़ी सी ब्रिक्स बना लेते हैं, अभी के लिए थोड़ी सी यहाँ पे हम ब्रिक्स बना लेते हैं। सो या गाइस मैं सैंड लेके आता हूँ सबसे पहले। तो हमने सैंड लिया है, हमने ग्लास बनाया, और उसके बाद हमारा बन चुका है, हमने जो है वो कास्टिंग बिन बना लिया, ओके। और उसके बाद अब हमें बनाना है फ्यूल टैंक, ओके। और उसके बाद हमें बनाना है स्मेल्टर, सॉरी मेल्टर। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद अब हमें इसमें लावा फिल करना है, जो हमारा टैंक है उसमें, और उसके बाद जो हमारा फ्यूल टैंक है इसमें भी हमें लावा फिल करना है। और लावा फिल करने के बाद गाइस हम अपना जो है वो स्मेल्टिंग सेटअप जो है वो लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक स्मेल्टरी जो है वो लगानी पड़ेगी, और उसके बाद हम इसको जो है वो माइटी जो है स्मेल्टरी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, इसको मैं सेटअप करना दिखाता हूँ कैसे सेटअप करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और सब कुछ तैयार है। तो सबसे पहले हमें लगाना है एक टैंक, और उसके साथ में हमें लगानी है एक ड्रेन, ड्रेन के सीधा सामने लगाना है हमें कास्टिंग टेबल, जिस पे हम कुछ भी चीज़ जो है वो कास्ट कर सकते हैं। और दूसरी साइड अगर हम एक सेकेंड फॉसेट यूज़ करने हैं, और दूसरी साइड जो है हम कास्टिंग बिन लगा देंगे जिससे हम ब्लॉक्स जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हमें रखना है मेल्टर, तो यहाँ पे जो मेल्टर है वो हम ड्रेन के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद देखते हैं गाइस चलता है कि नहीं। ओके, तो हमें एडवांसमेंट मिल चुकी है, बट ये चल नहीं रहा, कुछ दिक्कत है गाइस, एक सेकंड में देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ओह ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा मेल्टर जो है इसके नीचे हमें फ्यूल टैंक रखना है, तो ये चीज़ जो है वो मिस हो चुकी थी। तो चलो गाइस हमारा जो है वो मेल्टर तो लग चुका है, और अब इसके बाद हम इसमें ओर्स डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कॉपर की ओर्स डाले, तो अगर हम इसको बेसिक अपने फर्नेस में मेल्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 3 कॉपर और मिलेंगे, बट अगर आप यहाँ पे मेल्ट करते हो तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 4 इंगट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको 3 इंगट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 4, मतलब हर 3 ओर्स के साथ हमें एक इंगट जो है वो फ्री में मिलेगा। तो इससे गाइस हम अपनी जितनी भी ओर्स हैं उनको डबल कर सकते हैं, और उसके बाद कास्ट करना है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हमने फॉसेट पे क्लिक किया, तो अब जो है हमारे पास कॉपर का ब्लॉक बन जाएगा, बट ऑब्वियसली अभी हमारे पास 6 इंगट्स हैं, तो हमें 3 और डालने हैं, और 3 और डालने के बाद यहाँ पे हम इसको ब्लॉक जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो या गाइस इस तरह से जो है ये काम करता है, बट ये हमारा बेसिक है, तो अभी हमें एडवांस वाला बनाना है, उसके लिए हमें एक कंट्रोलर लगेगा, और कंट्रोलर जो है वो आप बना सकते हैं आई थिंक कि हीटर का यूज़ करके, जो हीटर है अगर आप हीटर को मेल्ट करेंगे तो उससे आप कंट्रोलर जो है वो बना सकते हैं। सो या गाइस हमारा जो है वो कॉपर का ब्लॉक ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको कलेक्ट करेंगे, इस पर हमें क्लिक करना है, वेट ए सेकेंड। सो यहाँ हो गया हमारा क्लिक। तो और गाइस अब मैं जो है अपना जो हमारा हम स्मेल्टरी है इसके लिए मैं एक अच्छा सा जो है वो जगह बना रहा हूँ, और इस पर थोड़ा मैं काम करता हूँ और इस एरिया को डिज़ाइन करता हूँ, ताकि हमारा अपना मेल्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगा सकें। और उसके बाद हमें जो भी और होंगी या जिसको भी हम जो भी चीज़ हम स्मेल्ट कर सकते हैं तो हम उसको जो है वो डबल करेंगे, तो इस तरह से ही काम करता है। बट अभी तो सबसे पहले मुझे थोड़ा ऊपर जाना है, एक बार मैं ऊपर चला जाता हूँ और इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब माइटी जो है वो स्मेल्टरी बनाने का वक्त आ चुका है, तो यहाँ पे हमने ब्रिक्स लगा दी, और ब्रिक्स के साइड में हमें एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है जिसके ऊपर हम अपना फ्यूल टैंक जो है वो लगाएंगे,
ओके, तो हमारा फ्यूल टैंक लग गया। और जो है सेंटर में हमें लगाना है एक कंट्रोलर, वेट ए सेकेंड, तो यहाँ पे हम एक ब्रिक लगा देंगे, इसके पीछे कंट्रोलर लगा देंगे, और उसके बाद ये टेम्परेरी ब्रिक जो है इसको हम जो है वो माइन कर लेंगे। और यहाँ पे एक ब्लॉक साइड में हमें लगानी है ड्रेन, वेर इज ड्रेन, ड्रेन कहाँ है, ओके, तो यहाँ पे हमारे साइड में एक सेकेंड, ओके, तो हमें साइड में जो है वो ड्रेन लगानी है, ये हमारी ड्रेन लग गई। और इसके सामने हमारे लगाना है कास्टिंग टेबल, और इस साइड लगानी है हमें कास्टिंग बिन, और फॉसेट का यूज़ करेंगे हम ताकि, अरे ये मेल्टर यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है हमें कास्टिंग बिन जिसमें हम ब्लॉक को जो है वो निकालेंगे। और इस सारे जो सिस्टम को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे ऑटोमेट करना है, बट अभी के लिए जो है इसको ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद गाइस ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे लगाने हैं फॉसेट्स और इसको यूज़ करना है, तो चलो गाइस इसको यूज़ करते हैं। वेट ए सेकेंड, ओके, इनवैलिड ब्लॉक। सो गाइस अभी मुझे पता चल गया, इसकी जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी ये सीरेट ब्रिक्स की होनी चाहिए, तो इसलिए वो हमारा जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो अभी मुझे थोड़ी और ब्रिक्स बनानी है। हमारे पास ब्रिक्स ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी हैं, तो ये हम सीरेट ब्रिक्स ले लेते हैं और उसके बाद ब्रिक ब्लॉक बनाते हैं। ओके, हमें जो है वो एक ब्लॉक और चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ इसके जो है वो ब्रिक ब्लॉक बनाते हैं, और उसके बाद जितने भी उसकी वॉल्स होंगी वो सब इसकी ब्रिक ब्लॉक की होनी चाहिए, सीट ब्रिक ब्लॉक, नहीं तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसलिए गाइस अभी हमें इसको वॉल बनाने हैं, और वॉल्स बनाने के बाद वो जो है हमारा काम करेगा। तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं माइन कर लेता हूँ, और उसके बाद मतलब जितने भी इसके चारों साइड है ये चारों साइड इसी ब्रिक के होने चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैंने ब्रिक्स लगा दी और ये स्टार्ट हो गया। या गाइस एक सेकेंड, डैमेज हो रहा है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, और भी ये बंद हो गया। जैसे ही आप ब्रिक लगाएंगे ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ये स्टार्ट हो जाता तो अब हमारा जो मेल्टिंग सिस्टम है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं फॉसेट को यूज़ करेंगे, और उसके बाद गाइस अब इसको हम ऑटोमेट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे बिल्कुल खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े, और हम अपनी ओर्स डालें और ये खुद ब खुद जो है इनको ब्लॉक में कन्वर्ट करता जाए। तो या गाइस इसको हम बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे, और उसके बाद हमें एडवांसमेंट भी मिल चुकी है, द माइटी स्मेल्टरी। तो यहाँ पे हमारा स्मेल्टिंग सिस्टम लग चुका है बिल्कुल गाइस, और मतलब एक तरह का सुपर स्मेल्टर है। सो गाइस इसको ऑटोमेट करना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे हमें जितने इसका जो है कास्टिंग बिन है इसके सामने हमें एक चेस्ट लगानी है, और उसके बाद चेस्ट के पीछे एक हॉपर लगा देना बिल्कुल कास्टिंग बिन के नीचे, ताकि कास्टिंग बिन में जो भी ब्लॉक बने वो उस हॉपर से होता हुआ इस चेस्ट में आ जाए। तो या गाइस ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है। और हमें एक लीवर चाहिए होगा ऊपर, और एक हॉपर हमें ऊपर लगाना पड़ेगा कंट्रोलर में ताकि हम अपनी ओर्स डाल सकें, और एक जो है हमें लीवर लगाना पड़ेगा ड्रेन के ऊपर ताकि हमारा ये फॉसेट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, जैसे ही हमारी ये कास्टिंग बिन फुल होगी हमारे गोल्ड ब्लॉक की, और उसके बाद गोल्ड ब्लॉक जैसे ही बनेगा तो ये हमारे चेस्ट में आ जाएगा, और इस तरह से गाइस ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। ओके, ये चेस्ट में आ चुका है। तो या गाइस अब इसको ऑटोमेट करते हैं फुल्ली, एक सेकेंड। तो हमने जो है वो ब्रिक्स सारी बना ली, और ये सारा एरिया जो है वो हमने कवर कर लिया है। मैंने जो है वो कंट्रोलर के ऊपर हॉपर भी लगा दिया है, और बस अब हमें यहाँ पे ओर्स डालनी है हॉपर में, तो ये कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल फिल होता जाएगा। और उसके बाद गाइस मुझे चाहिए एक लीवर ताकि हम जो ड्रेन है उसको भी ऑटोमेट कर सकें। उसके लिए हमें चाहिए एक रेड स्टोन, और हमें चाहिए कॉबल स्टोन, या वेट ए सेकेंड। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं और बनाते हैं एक लीवर। ये बन गया लीवर, और इस लीवर को हमें लगाना है ड्रेन के ऊपर। अरे नहीं, गलत साइड लगा दिया हमने शायद, यहाँ से तो ये कास्टिंग जो है टेबल एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला फॉसेट। ये वाला एक्टिवेट नहीं करना, हमें ब्लॉक वाला करना, ताकि हमारे पास जो भी बने वो सिर्फ ब्लॉक बने। और ये कास्टिंग टेबल का क्या काम है गाइस, आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नए नए टूल्स जो है वो इस कास्टिंग टेबल से बना सकते हैं, तो वो आने वाले एपिसोड में हम वो काम करेंगे। बट अभी के लिए जो हमारा गोल्ड ब्लॉक एक तैयार हो चुका है, और अब ये गोल्ड ब्लॉक चेस्ट में चला जाएगा और दूसरा गोल्ड ब्लॉक बन जाएगा। सो या गाइस ये जो है ये बिल्कुल ऑटोमेट हो चुका है, और आई थिंक कि हमारा वीडियो एंड करने का टाइम भी हो चुका है। सो या गाइस आई होप कि आपको याद